कमीशन केस में हुक्म इम्तना खारिज। शुगर मिल एसोसिएशन की चीनी रिपोर्ट पर कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम इदारों को चीनी रिपोर्ट पर कार्रवाई की इजाजत दे दी। वुज़रा के हवाले से भी कमीशन ने लिखा, ऐसे में कैसे तासुब हो सकता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क्स। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं शहबाज शरीफ सेहतयाब होकर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। एपीसी में एफएससी की अवार्ड भी मुशावरत करेंगे। एनएफसी अवार्ड से मसले पर तमाम ओपोजिशन एक मौका देगी। कोरोना की सूरत हाल में सिंध के 229 अरब रुपए कम करना नाइंसाफी है। पंजाब को भी पूरे पैसे नहीं दिए गए, जबकि कोरोना आया हर मुतरा से मसला छेड़ा जा रहा है। लाहौर जना अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने पर मरीज के लवाहिकीन बरहम हो गए। इंतजामिया के साथ तर्फ कलामी, लड़ाई झगड़े के दौरान डंडों और घूसों का सजाना इस्तेमाल किया गया। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा, अजमल वजीर, मुश्किल वक्त में हर शहरी को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। एस एफ एस की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, गैर जरूरी तौर पर शहरी घरों से बाहर न निकलें। नासिर हुसैन शाह कहते हैं आवाम का एस ओ पी पर अमल करना बेहद जरूरी है। लॉकडाउन के दौरान नकलो हरकत भी महदूद रखी जाए। पुलिस और सिक्योरिटी के इदारों के साथ तआवुन किया जाए। आवाम की जानो माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस की कुर्बानियां लाजवाब हैं। वजीर सनअत तिजारत मियां असलम इकबाल कहते हैं अदवायात की ब्लैक मार्केटिंग और जखीरा करने वालों के खिलाफ बेरहम कार्रवाइयों का फैसला कर लिया गया। पंजाब हुकूमत मुतासर कारोबारी सरगर्मियों की बहाली और नए कारोबार शुरू करने के लिए आसान कर्जों का बड़ा प्रोग्राम ला रही है। सऊदी अरब हुकूमत ने मक्का मुकरमा में सख्त हिफाजती इकदाम के तहत कल से तमाम मस्जिद खोलने का ऐलान कर दिया। ये तमाम मस्जिद कोरोना वायरस के वबा की वजह से गुज़श्ता 3 माह से बंद पड़ी थी। मस्जिद को दोबारा खोलने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। नमाजी एक दूसरे से महफूज फासला रखेंगे। ईरान और इंसदाद नशियात शहरियार अफरीदी 24 रोज बाद कोरोना वायरस से सेहत याब हो गए। कहते हैं कोरोना टेस्ट मनफी आया है, ये एक तकलीफ दे तजर्बा था, लेकिन पुख्ता यकीन था कि अल्लाह ताला बीमारी हर इंसान को अपने करीब करने के लिए देता है। अल्लाह हम सबको इस वबा से दूर रखे। मोमिन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं तिबी अमले की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। डॉक्टर्स और तिबी अमले के अरकान हमारे हीरोज हैं। बलोचिस्तान के अस्पतालों में सहूलियात की कमी के बावजूद डॉक्टर्स का रवैया काबिले तहसीन है। कोरोना वायरस से निजात का बेहतरीन हल एसओपीज की अमल दरामद है। वजीर अला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं करप्शन ने टिड्डी दल पाकिस्तान की बुनियादों को खड़ा कर दिया है। साबिक इदारों में टिड्डी दल पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करते रहे। माजी के करप्ट हुक्मरानों की करप्शन की दास्तानें बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। पाकिस्तान को आगे लेकर जाना वाहिद रास्ता है। रवा साल का पहला सूरज ग्रहण कल लगेगा, जो पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। मुख्तलिफ शहरों में सूरज ग्रहण के आकार अलग अलग होंगे। सूरज ग्रहण सुबह 8:40 पर शुरू होगा। 11:40 पर मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। दोपहर 2:34 पर खत्म होगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण का दौरानिया 1:50 का होगा। 1 बजे सूरज ग्रहण खत्म होना शुरू हो जाएगा। फिर से अमरीकी खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से मुआवजत कर ली। पुलिस का कहना है कि अगर अमरीकी खातून के खिलाफ कार्रवाई मकसूद है तो एफआईए और साइबर क्राइम ब्रांच से रजू किया जाए। मीरपुर माथेलो के गांव मोहम्मद
हसन पताफी में दो कमसन बच्चे नहर में डूबकर जान भक हो गए, जिनकी शनाख्त 3 साल हुसनैन 3 साल आफ्ताब के नाम से हुई। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आग के तहत लाशों को नहर से निकाल लिया। सूबाई वज़ीर इत्तला'आत पंजाब फैज़ुल हसन चौहान कहते हैं, पंजाब का बजट नए टैक्स आयद न करने वाला अपनी नौइयत का पहला बजट है। हुकूमत ने 56 अरब रुपए से ज़ायद के टैक्स रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। हुकूमत कैश की बजाय ऑनलाइन अदायगियों पर टैक्स छूट की शरह ज्यादा कर रही है। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड रवानगी का शेड्यूल तय हो गया। टीम 28 जून को इंग्लैंड रवाना होगी। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कहते हैं कि दौरा इंग्लैंड के दौरान खिलाड़ियों की हिफाजत पर समझौता नहीं किया जाएगा, खिलाड़ियों की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। पीसीबी एसओपीस पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ख्वाजा परवेज़ को मदाहों से बिछड़े 9 साल बीत गए। 40 साल कैरियर में उन्होंने 10,000 से ज्यादा गाने लिखे, जो मुख्तलिफ फिल्मों और ऑडियोज एल्बम की जीनत बने। ख्वाजा परवेज़ का हर फिल्मी गीत शायकी मौसीकी पर सहरदारी कर देता था। उनको शोहरत तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूँ गाने से। पाकिस्तान में गजल गायकी का बड़ा नाम गुलकारा मुन्नी बेगम की आज 65वीं सालगिरह मनाई जा रही है। मुन्नी बेगम पिछली 4 दहाइयों से अपने सुर बिखेर रही हैं।